स्वादुषितं द्रवं स्निग्धं अन्नपानं सदाहितं शीतं सशर्करं मन्थं जांगलान् मृगपक्षिणः घृतं पयः साल्यन्नं भजन् ग्रीष्मेन सीदति भजन् ग्रीष्मेन सीदति। चर्क कहते भज भज सेवन, जैसे भजन कहते ना, भज धातु जो उसके दो अर्थ हैं, प्रीति और सेवन। तो मंदिर में जो हम भजन कहते हैं वो प्रीति दिखाते हैं भगवान के प्रति। यहाँ आयुर्वेद में जो भजन का मतलब सेवन करना, भजन जो कहते हैं कि जो बातें मैंने लिखी, चरक कहते हैं इनका जो भजन सेवन करता है ग्रीष्म न सीदती, वो ग्रीष्म ऋतु में दुखी नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु का पिछले व्याख्यानों में देख ही चुके कि कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है, मर ही जाता है मनुष्य। गृधनिका और मारिका बताई दिया कैसी शक्तियाँ हैं, क्या करती हैं भरद्वाज मुनि ने, तो वही चीज़ है, वही पहले धन्वंतरी ने बताई थी, उससे पहले चरक ने भी बताई थी, ये चीज़ें थी। तो ये सिद्धांत समझ में आएगा। तो गृधनिका और मारिका जो शक्तियाँ हैं, गृधनिका सिकोड़ती है सबको और मारिका उनकी शक्तियों को सबको नष्ट कर देती, तो वो दुष्प्रभाव न हो, उल्टी दस्त हो के हम न मरें, लू न लगे, अपचन के कारण क्षीणता और क्षीणता के कारण बहुत दिनों तक बिस्तरों में हॉस्पिटलों में न पड़े रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए। ये कहते हैं भजन ग्रीष्म न सीदती, इनका जो सेवन करेगा वो ग्रीष्म ऋतु में कभी भी दुखी नहीं होगा, ऐसा चरक कहते हैं। क्या कहा मैंने बताया था, उत्तरायण में तीन रस बढ़ते हैं, हेमंत उत्तर शिशिर ऋतु में तिक्त रस। तिक्त रस क्या बताया था, नीम तिक्त करेला तिक्त रस है ना, जिसे कड़वा कह देते हैं, वो क्या कहता है शरीर की धातुओं को सुखाता है, शरीर की धातुओं को सुखाता है। तो हम कितना लेते हैं जीवन में बताओ, बहुत कम लेते हैं, बहुत कम, आवश्यकता है उसकी, वो रोगों से हमारी रक्षा करता है। जब आयुर्वेद के और बातें आएंगी तब बताऊंगा मैं। उसके बाद कषाय रस, कषाय रस क्या बताया था, जैसे कीकर की दातुन करते हैं, कच्चा अमरूद, अमरूद का पत्ता चबाओ, मौलसरी का पत्ता चबाओ, मुंह रूखा हो जाता है, कशैला बिल्कुल रूखा हो जाता है, वो कषाय रस है। तो वसंत ऋतु में वो, और ग्रीष्म ऋतु में कटुक मिर्च, कितनी रूखी होती मिर्च, बहुत रूखी होती, शरीर को रुक्ष कर देती। तो वो रस जिसमें जैसे अदरक में है, जैसे मिर्च में है, जैसे क्या कहते हैं आपका पीपल में है, पिपली खाते हैं, त्रिकटू कहते हैं ना, काली मिर्च, काली मिर्च, पीपल और सूंठी, ये तीन कटुक रस है इनमें प्रधान है। तो कटुक का मतलब समझे कड़वा नहीं, कटुक का मतलब आयुर्वेद में क्या होता है, मिर्च वाला रस, ये समझ लें। तिक्त का मतलब नीम वाला रस, और कषाय तो आपको बता ही दिया, तो कसैला आप समझ में जाते हैं। तो ये तीनों रस क्रम से उत्तरायण में तिक्त हुआ, कषाय हुआ और कटुक सबसे ज़्यादा सब कुछ सूखा डालता है। आपने मिर्च वाली चीज़ खा ली, चटनी खा ली और कुछ खा ली, तुरंत क्या करते हैं, घर में ज़्यादा मिर्च डल जाती, कुछ घर वाले क्या करते थे, अरे घी डाल दो भाई, देसी घी डालते थे, देसी शब्द क्यों बोलना पड़ रहा है पता नहीं मुझे, घी ही है, तो घी डलता था। इसका मतलब क्या हुआ, मिर्च रुक्षता पैदा करती है। आपने पहले ग्रास में मिर्च की सब्जी, मिर्च की दाल या मिर्च की कोई चीज़ खा ली, आपको तुरंत क्या आने लगती है, हुचकी आने लगती है ना, तो क्या कहते हैं पानी पियो। इतनी आमाशय के अंदर, ग्रास नली के अंदर इतनी रुक्षता पैदा कर दी, किसने, कटुक रस ने। पहला ही ग्रास या दो ग्रास मुश्किल से खाया, एक ही खाया, अंदर गया आमाशय में और तुरंत उचकी आने लग जाती है, ऐसा होने लगता है। क्या है वो, अंदर वायु रुक्षता, बताया था ना वायु, एक बार चर्चा की थी, वायु किसका नाम है, रुक्षता का नाम है। तो कटुक जो रस है सबसे अधिक रुक्षता पैदा करता है, और वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, और पहली ऋतुओं के कारण हो रखा है, तिक्त कषाय के कारण हो रखा है।
तो क्या कहा, स्वादु मधुर रस। जिसको मिर्च लग गई तुरंत क्या कहेंगे, गुड़ दे दो, खांड दे दो, मिश्री दे दो, ऐसा करेंगे कि नहीं, करते हैं। तो स्निग्ध और स्वादु, तो आचार्य कहते हैं स्वादु। अच्छा, जब आपने मिर्च की सब्जी खा ली, मिर्च की चटनी खा ली, या कोई परांठा ही खा लिया और मिर्च का खा लिया एकदम से, अरे इतना खाते नहीं थे, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अरे पानी देना भाई, पानी पिलाओ इनको, पानी दो। तो पानी कैसा, गर्म पीते हैं आप, कौन सा पानी पीते हैं उस समय, ठंडा, समझ गए। तो शीतम, समझ गए, रूक्षता पैदा हुई है कटुक रस के कारण, ये सिद्धांत समझ लो। रूक्षता पैदा हुई है तीनों रसों का, कटुक रस सबसे ज्यादा कटुक पैदा करता है ग्रीष्म ऋतु में। तो उस समय आप क्या लेंगे, स्वादु मधुर रस लेंगे, मीठी चीजें लेंगे, और वो कैसी होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए। यदि मीठा, हरियाणा में तो क्या कहते हैं, घी और खांड खाते हैं, घी और बूरा खाते हैं, तो भोजन में क्या रखा जाता, मेहमान आते थे तब परिवार में घी और बूरा, यदि नहीं रखी तो कोई लोग तो भोजन नहीं करते थे, बोले इसने कोई खातर तवज्जो ना करी, हम नहीं खाते, हम और कहीं खा लेंगे, सबसे पहली चीज़ होती। हरियाणा के लोग, मैं तो दक्षिणी हरियाणा का हूँ, लू बहुत भयंकर, रेतीले, अब तो इतनी वो चीज़ नहीं है, टीले होते थे, वहाँ क्या करते थे, मान लो किसी कारण आपातकाल में लू में यात्रा करनी पड़ गई तो क्या करते थे, खांड और बूरा में घी डाल करके उसके टोले बना करके और अपने दो चार खा के चल लो, आपको लू नहीं लगेगी, आपको हैजा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, सिद्धांत समझो। जो हमने सिद्धांत की बात करी पहले, ग्रीष्म ऋतु क्या करती है, रुक्षता पैदा करती है, धातुओं को सुखाती है, कोषों को गृधनामारी का संकुचन करती है। तो घी और मीठा, घी में क्या है, स्नेह है, घी मधुर भी है मीठा भी होता है, और घी में स्नेह चिकनाई है, और उधर जो खांड है और बूरा है, गुड़ शक्कर नहीं, वो गर्म होते हैं, समझ गए, बूरा जो खांड को भी शुद्ध करके बनाई जाती है और शीतल होती है, जिसकी मिश्री बनाई जाती थी पहले, अब तो शायद चीनी की बनाते होंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो आप खा के चलें। इसका मतलब क्या हुआ, घी और बूरा कुछ नहीं किया, घी और बूरा के अंदर जो पोषक तत्व थे, जो ग्रीष्म ऋतु के कारण शरीर के अंदर जिनका अभाव हो गया था, उनकी आपूर्ति करता है, समझ गए बात। तो घी और बूरा नहीं कर रही, घी और बूरा के अंदर वो गुण हैं जो शरीर को पुष्ट कर रहे हैं, धातुओं को पुष्ट कर रहे हैं, कोषों को संकुचित नहीं कर रहे, उनको विकसित कर रहे हैं, संकुचित होने से रोकते हैं। तो ऐसे करके चलते थे, नहीं लगता था। आप शरबत पीते हो, शरबत क्यों पिलाया जाता, उसके अंदर खांड डाली जाती है, शीतल जल होता है, होता है कि नहीं, बेल का शरबत बनाया, सत्तू का बनाया, तो जो क्या है, शीतल है, और जो के अंदर आप जो के जैसे दलिया बनाओ, कितना चिकनापन, ऐसे लार से छूटती, कितना स्नेह होता है उसके अंदर, ऐसा उसे होता है। तो वो क्या करता है, आपके शरीर को ग्रीष्म के दुष्प्रभावों से, गृधनिका और मारिका के जो विष थे उनसे वो बचाता है। तो क्या कहा, स्वादु शीतम द्रवम। ग्रीष्म ऋतु क्या, पे पिए थे रवि, सूर्य सारे आप्य भाग को, जली अंश को खींच लेता है, तो स्वादु मधुर रस होना चाहिए आपका भोजन में। वो भोजन कैसा होना चाहिए, खाने में भी शीतल और पचने के बाद भी शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला होना चाहिए पाचन के बाद। जैसे गुड़ खा लिया, मान लिया आपने, रूखा मधुर तो है लेकिन पाचन के बाद वो गर्मी करता, तो नहीं खाना। यदि गुड़ को ही 2-3-4 घंटे शीतल जल में भिगो दो और उसका शरबत बना के पियो, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो जल है गुड़ की गर्मी को शांत कर देगा, आगे बात समझ में। और गुड़ के अंदर क्या है, मधुर रस है, मधुर रस क्या है, कफ की वृद्धि करेगा, शरीर की सारी धातुओं को पुष्ट करेगा। इसलिए जो मंडियों में इस समय गेहूं उठा रहे हैं मजदूर वगैरह, वो गुड़ का शरबत, खांड का नहीं पीते, हो किसका पीते हैं, गुड़ का, क्योंकि गुड़ के अंदर खांड से अधिक पोषक तत्व हैं, और श्रमजीवी के श्रम के कारण, श्रम साध्य कार्य के कारण उसके शरीर की शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, उसको ज़्यादा चाहिए, तो वो गुड़
का शरबत पीता है, उसमें चने का और जौ का सत्तू डालता है और फिर उसको पीता है, और कितनी लू में गर्मियों में काम कर रहा है, कितनी गर्मी कर रहा है। तो मूल सिद्धांत को समझो। अब वो मजदूर नहीं जानता क्योंकि उससे पहले वाले पीते थे, उससे पहले वाले पीते थे। पहली बार किसने बताया होगा ये? एक बुद्धिजीवी है मेरे आप जैसे, हम गुड़ का शरबत नहीं पिए। क्यों? हम वो शारीरिक श्रम नहीं करते जो गुड़ को शरीर की ऊर्जा में बदल सके, जिसको हमारी जठराग्नि पाचन शक्ति स्वीकार कर सके। हम खांड का कर लेंगे, खांड से भी बूरा का, बूरा और सुपाच्य हो जाती है। सीतोपल, सीता बुरा को कहते हैं, उसको उपल मानी पत्थर अर्थात मिश्री, उसका खांड बनाओ ना, उसका शरबत बनाओ जो कम जठराग्नि जिसकी है, जो छाया में ही रहता है, जो शारीरिक श्रम नहीं करता, बुद्धि का ही कार्य करता है, शरीर में क्षीणता है, जिसकी ऊर्जा कम खर्च होती है, कार्य के अनुसार है। तो ये तो ग्रीष्म ऋतु में आपने मधुर शीतल और द्रव प्रधान, द्रव तो समझ गए, जलीय अंश जिनमें हैं जो बहके चलते हैं, ऐसे होना चाहिए। और स्निग्धम जिसमें स्नेह चिकनाई हो। चिकनाई का मतलब क्या हुआ? तेल नहीं। फिर मैं आऊंगा विषय पर, क्यों? घी क्या है? स्निग्ध है लेकिन शीतल है। तेल क्या है? स्निग्ध तो है लेकिन उष्ण है, गर्म है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में तेल की मालिश नहीं करनी, तेल सिर पे नहीं लगाना, घी लगाना। आगे आगे विषय आगे जब बताऊंगा, ठीक है। और जो भोजन में तेल का प्रयोग करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल गर्म होता है। लेकिन अपवाद है, आचार्य कहते हैं कि जहाँ घी होता ही नहीं है, जिनके पूर्वजों ने घी खाया ही नहीं, जैसे समुद्र तटीय लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, वहाँ तिल और मूंगफली ज़्यादा होती है, घी शायद नहीं होता, नहीं खाते होंगे। महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का इलाका घी बहुत कम होता है। हमारे साथ एक साथी पढ़ा करते दो तीन, तो कहा करते बोले जी हमारे तो पूरे गाँव में घूमो तो हवन के लिए मुश्किल से एक आधे के पास घी मिलेगा, और हरियाणा में तो झाकरे भरे होते थे घी के। उनके यहाँ बोले 1 किलो के लिए आपको 1-1.5 महीना पहले करना पड़ेगा, तब 1 किलो घी तैयार होगा। क्यों? रूक्ष इलाका। तो जहाँ पर जिनके पूर्वज तेल खाते आए हैं उनको तेल साथ में हो गया, साथ में का मतलब आत्मा जैसा हो, उनके शरीर ने उसको स्वीकार कर लिया, वो तो खा सकते हैं, अभ्यासी हैं। लेकिन जैसे हरियाणा के लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, राजस्थान हरियाणा से लगता हुआ, यानी जहाँ घी दूध ज़्यादा होता है उनको घी ही खाना चाहिए। घी शीतल होता है और स्निग्ध होता है, तो वो शरीर की धातुओं को क्षीण नहीं होने देगा, उनको पुष्ट करेगा। ये कहा स्निग्धम। अन्नपानम सदा हितम, तो क्या कहा? स्वादु मधुर शीतल द्रव जिसमें जलीय अंश है, स्निग्ध जिसमें स्नेह चिकनाई है, ऐसा अन्नपान सदा हित है। ये सिद्धांत की बात कही है, मैंने आपको उदाहरण दे दिए एक दो। आचार्य तो उदाहरण नहीं दे रहा ना कि भाई आप देखो स्निग्ध कौन सा होता है, स्वादु कौन सा होता है। अब मैं कहूँ खांड, और इन दिनों मान लीजिए कोई फल आ रहा है मधुर है तो आप वो खाओ, लेकिन जो कटुक रस है, कषाय और तिक्त है, वो फल मत खाइए। आप चटनी बनाते हो जिसमें कसैला है, वो चीज़ मत बनाइए, वो सर्दी में बना सकते हैं। चटनी बनाते हैं जिसमें कटुक रस है, वो नहीं बनानी, मीठी चटनी बनानी है, मिर्च नहीं डालनी। हाँ, समझ में? सिद्धांत समझ लो कि मधुर रस जिन पदार्थों में है, ऐसा अन्नपान यानी भक्ष्य सर्व आदि और पेय, वो सदा हितम, ऐसा कहा। अब आगे बढ़ते हैं। शीतम स सरकरम मंथम, मंथ किसे कहते हैं? जैसे सत्तू कहा या लस्सी, दही और लस्सी गर्म होता है, लेकिन लस्सी इस ऋतु में लाभदायक है। कैसी? मंथ समझते हो, जो घोल बनाते हैं, कोई भी घोल है, पेय जिसे हम कहते हैं, चाहे वो लस्सी का है, दही का है, चाहे आपने बेलपत्थर का बनाया, बिलूफल आ गया ना वो, उसका शरबत बनेगा, या आपने बादाम का बनाया शरबत। बादाम गर्म होता है लेकिन रात्रि को भिगो करके सवेरे घोट करके जल में लेंगे तो जल क्या होगा, उसकी गर्मी को शांत कर देगा, उसका छिलके उसमें गर्मी ज़्यादा होती है वो हट जाएगी। और आपने उसको
जल में मिला दिया और उसके साथ मधुरता दी और स्नेह उसके अंदर है ही, तो बादाम का शरबत क्या होगा? आपके लिए लाभदायक हो। सिद्धांतों पर जाइए, जो रुक्षता को कम करे, जो तरलता को बढ़ाए, आगे बात समझ में। तो स्वादु मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, तरल होना चाहिए, मधुर अम्ल लवण रस ही होने चाहिए और मधुर ही रस ज़्यादा होना चाहिए। लवण और अम्ल, लवण नमक को कहते हैं और अम्ल खटाई, ये दोनों कफ की वृद्धि तो करते हैं लेकिन पित्त भी बढ़ाते हैं। मधुर रस पित्त नहीं बढ़ाता, तो पित्त क्या है? गर्मी का नाम है। तो इसलिए लवण बहुत कम खाना है इस ऋतु में। कफ तो बढ़ाएगा, थोड़ा खाना है। कटु तिक्त कषाय से ज़्यादा लेना है नमक। लेकिन आप देखो ना, जैसे नींबू की शिकंजी बनाते हैं, पुदीने की शिकंजी बनाते हैं, हल्का सा लस्सी की, खूब पतली लस्सी का पेय बना दिया, उसमें हल्का सा नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं? खंड जितना डालते हैं क्या? खंड तो 2 चम्मच डालेंगे, नमक कितना? चुटकी भी कम और भी कम, क्योंकि शरीर को उतना ही चाहिए और मधुर रस सबसे ज़्यादा चाहिए। सबसे ज़्यादा कफ बनाता है, ये कम बनाते हैं। और यदि ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा? नमक, अब देखो प्यास रुकती है क्या? क्यों? उसने अंदर पित्त पैदा कर दिया, गर्मी पैदा कर दी, उसे और आवश्यकता पड़ जाती। तो ये सिद्धांत मूल रूप से समझना है। तो क्या कहा? शीतम स सरकरम मंथम स लवणम, जबकि लवण और अम्ल ये भी तो बढ़ाते हैं किसको? कफ को। लेकिन क्या कहा? इसका नाम नहीं लिया। मंथ जो बनाना है, जो पेय बनाना है, मंथ का मतलब जो मथ करके बनाते हैं, पेय जो बनाते हैं, वो शर्करा से युक्त हो। शर्करा खंड को कहते हैं संस्कृत में, हरियाणा में तो शर्करा वो गुड़ का जो भाग होता है ना, उसको कह देते हैं शक्कर। तो शर्करा संस्कृत में आयुर्वेद में खंड को कहते हैं, और सीता कहते हैं बूरा को, खंड के बाद शुद्ध करके बूरा बनाई जाती है। तो वो तो क्या कहा? मंथ पीना है, पेय पीना है, शीतल पेय कह लीजिए वो पीना है, लेकिन वो खांड से युक्त पीना है। ये का गुड़ का नहीं कहा इन्होंने। गुड़ का आचार्य ने क्यों डलवाया? आयुर्वेद के आचार्यों ने उनके लिए डलवाया, और उनको पता भी नहीं है, उनको बता दिया, उनके पूर्वज को किसी को, और क्रम से परंपरा से चल रहा है। ये कहा। अब कुछ लोग जो हैं मांसाहारी हैं, हम मना नहीं कर सकते किसी को, और संसार में सदा से चला आ रहा है मांसाहार, तो किनका भोजन करें? हो जांगलान मृग पक्षीण, जंगल के पालतू नहीं। यदि जो जंगल में स्वयं जो विचरण करते रह रहे हैं, वहाँ मृग किसे कहते हैं? मृग लोग हिरण को कह देते हैं, हिरण मृग नहीं है। मृग किसे कहते हैं? मृग मार्गणे, जो खुला घूमता है। गाय जो खुली घूमती हैं, जैसे नील गाय, वो भी मृग है। हाथी भी मृग है, शेर भी मृग है। तो जो वन में खुले घूमते हैं उनको मृग कहते हैं। मृग कहते जो खुला घूमता, बंधन में नहीं है, उसको मृग कहते हैं। तो खुले विचरण करने वाले, अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो सोते उठते बैठते हैं, और पक्षी, उनका जो मांस लेगा वो ग्रीष्म ऋतु में कभी दुखी नहीं होगा। कौन? मांसाहारी। यदि मांसाहारी है तो उनके लिए आचार्य ने ऐसा कहा। अब क्या कहा? घृतम पयः साल्यान्नम भजन ग्रीष्म न शीदति, यहाँ तक का हमने पाठ करना था इस व्याख्यान में। और क्या कहा? घृतम, जो घी का सेवन करता है, मैं बता चुका, घी का ग्रीष्म ऋतु में नियमित रूप से सेवन करें, नियमित रूप से। और घी से भी गुणकारी मैं बताया करता हूँ मक्खन, लेकिन मक्खन बासी नहीं खाना, मक्खन बासी नहीं खाना। क्यों? मक्खन के अंदर तक्र की मात्रा होती है, और वो जितनी देर तक रखोगे उसमें अम्लता बढ़ती जाएगी, और वो खाएंगे तो मक्खन दूषित होता जाएगा और रक्त को दूषित कर देता है, गर्मी बढ़ाता है और कुष्ठ का रोग भी पैदा कर देता है। यदि अगले दिन खा लिया तो, उसके अगले दिन खा लिया, कौन सा? जिसके अंदर लस्सी रह गई। सबसे उत्तम है ताज़ा निकालो उसी समय, और उसमें खांड मिला के, मिश्री मिला करके बच्चों को खिला दो। उसके बाद घी, घी सबके होता है, जो पशुपालन नहीं करता और नहीं करता भी। तो क्या कहा? घृतम घी, पयः दूध। घी क्यों कहा मैंने? कहा स्निग्ध भी है, मधुर भी है और तरल भी है। सिद्धांत बताया था ना कि मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, तरल होना चाहिए पदार्थ। तो घी में 3 गुण है,
ऐसे ही दूध में पयह, दूध पी लो। दूध कैसा है? शीतल होता है। दही और लस्सी क्या होती है? खट्टी होती है, क्योंकि उनमें अम्लता पैदा हो जाती है, तो अम्ल पित्त को पैदा करता है। दूध जो है वो शीतल होता है, और धारोषण तो सबसे अच्छा होता है। गर्म किया हुआ तो गर्म करके, शीतल करके, और फिर उसके अंदर खांड मिला करके, लिखा कि खांड मिला करके उसका सेवन करो। किसका? दूध का। शाली अन्नम, और जो चावल खाते हैं, शाली एक धान होता है, वो बहुत अच्छा होता है। गर्मी में कहते हैं भजन, जो इनका सेवन करेगा न शीदती, वो कभी दुखी नहीं होता। तो मान्य सज्जनों, मोटे रूप से जो आहार है, इस व्याख्यान में हमने आहार पर चर्चा की है कि आहार के ये सिद्धांत बताए। अब आहार में एक एक चीज़ और कौन कौन सी खाई जा सकती है ऋतु के अनुसार, अगले व्याख्यान में आहार के उन बिंदुओं पर, उन पदार्थों पर चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।